यहाँ की कुछ जड़ी बूटियां हैं जो चाइना के अंदर बहुत ज्यादा हाई डिमांड है। कितने रुपए किलो बिकता है वो? 10 लाख रुपए किलो। यहाँ पे भांग की चटनी होती है और उधर जो चिकन बन रहा है वो भी मंदिर में चढ़ा हुआ है उसका। दिख रहा है ना? हाँ, तो अपने हाथ ही बनाना पड़ता है। आप कौन से गांव से हैं? यहाँ रहती है। नाम क्या आपका? लीला देवी। लीला देवी। हाँ। और उम्र? उम्र आप बोल बे शादी पता हो ले 50 बोले बे 55-60 है बोले। आपका माई की उधर है। माई का किधर है? उधर जॉन्ट हाइट। अच्छा, कितना दूर है? ये दूर है लागे दो तीन घंटा पैदल पैदल। हाँ पैदल। आप मीलम गए? मीलम देखा है? नहीं देखा? नहीं गया हूँ। कहे नहीं गया? मुंशहरी तो गया होगा। मुंशहरी हल्द्वानी। हल्द्वानी गए? गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अभी थोड़ी देर पहले जो आपने अम्मा देखी थी, ये थी प्रेम भाई साहब की मदर। उनको हिंदी उतने अच्छे तरीके से आती नहीं है, लेकिन फिर भी समझ में आ रही थी, उनको बोलना नहीं आ रहा था। उनसे बातें बातें कर रहा था प्रेम भाई। अभी एक बार नीचे मंदिर की तरफ चले गए हैं। आपका नाम भूल गया सर मैं। कुंवर। कुंवर, आप प्रेम भाई के छोटे भाई है ना? यहाँ पे मेन रोजगार का वो साधन क्या है? खेती बाड़ी जड़ी बूटी। जड़ी बूटी तो आप उस टाइम पे गर्मी में ढूंढने जाते होंगे ना? गर्मी में। अब तो नहीं मिलेंगे। ये जौहर वैली में ही पड़ता है ना? इधर जौहर वैली में यहाँ के राजमा बहुत फेमस हैं, यहाँ के हर्बल चाय बहुत फेमस है, यहाँ की कुछ जड़ी बूटियाँ हैं जो चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है। पहले नेपाल से लोग खरीदने आते हैं ना? नेपाल से आते हैं, फिर वो नेपाल से चाइना जाते हैं। नेपाल से चाइना। क्या नाम बता रहे थे जो बहुत महंगी महंगी है? आप कीरा जड़ी। क्या? कीरा घास। कीरा रास। घास। घास। कितने रुपये किलो बिकता है वो? वो 10 लाख। 10 लाख रुपए किलो। अरे बाप रे। और क्या काम में आता है वो? यहाँ तो अभी कोई खोज ही नहीं हुआ उसका, इंडिया में खोज ही नहीं हुआ उसका, क्या दवा बनता है करके अपने वो पता ही नहीं है कि क्या काम में आता है। यहाँ पे कीरा जड़ी बूटी करके एक जड़ी बूटी होती है और उसकी चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है। 10 लाख रुपए किलो यहाँ से जाता है, तो आप सोच सकते हो कि जब आगे एकदम रिटेल में जाता है या किसी बंदे के पास पहुँचता है तो उसकी प्राइस क्या हो जाती होगी? लगभग कितना मिल जाता होगा अगर जो बंदे ढूंढते हैं? एक आदमी को लगभग 100-150 ग्राम तक। बस इतना ही? और लगभग लोग इसी काम में ढूंढने में रहते हैं? एक महीना वही हुई। एक महीना जोहार में पूरे में मीलम वीलम हर जगह। अभी जो आपको इनकी आवाज़ आ रही है ढोलक की, ये नीचे से आ रही है मंदिर की तरफ से। मुंशहरी के जो कुत्ते हैं ना वो भी बहुत ज्यादा फेमस है, काफी लोग यहाँ से कुत्ते उत्ते खरीद के भी लेके जाते हैं, क्योंकि थोड़े बल्की बल्की टाइप के। यू मान ले अपने हिमालयन डॉग, ये देखिए। प्रेम भाई भी अभी पूजा करके आ गए हैं। अभी आपका काम हो चुका है पूजा वाला? अभी काम हुआ है, अब बकरी वगरी काटेंगे, कटिंग हटिंग। अच्छा, कटिंग अभी हो गया। मैं सुबह आपको दिखाना भूल गया था कि सुबह सुबह मैंने नाश्ता किया था, यहाँ पे भांग की चटनी होती है। ये भांग का बीज है? भांग का बीज और खटाई। खटाई नींबू। नींबू शेरखा जी से कहता है। अच्छा, ये वाला नींबू, ये वो काले वाला? जो घर है उसके जस्ट साइड में किशन सिंह जी का घर है, और उनके पिताजी शायद 2 या 3 बार तिब्बत जा चुके थे जब तिब्बत के साथ ट्रेड चालू रहता था। बेसिकली जो ट्रेड था वो 1962 तक तो चलता था ट्रेड। रुको एक बार आपको समझा देता हूँ। अभी जिस एरिया में मैं हूँ, इस एरिया का नाम है जौहर वैली। वैली में एक गांव है लेंगा, और आसपास जितने भी यहाँ पे गांव हैं उनमें पुराने टाइम में यहाँ पे ट्रेडिंग होती थी तिब्बत के साथ। तिब्बत से यहाँ के ट्रेडर्स तिब्बत से नमक लेके आते थे और यहाँ से अनाज वनाज और कुछ जड़ी बूटियाँ लेके जाते थे। तिब्बत से नमक का व्यवहार करते थे? नमक तिब्बत से आता था यहाँ पे? वहाँ से आता था जो बकरी नहीं होती थी पहले बकरी। हाँ, तिब्बती बकरी होते थे। कैसी होती है तिब्बती बकरी? वो भी जैसे हमारे यहाँ वैसे ही होते हैं, थोड़ा वो ऊन में फर्क होता था। ऊन अच्छी होती है उसकी? कोमल ऊन होता था वहाँ की। अच्छा, और यहाँ की जौ कई चीज मटवा ये खाने वाली चीज जैसे मिश्री है। अच्छा अच्छा। और गुड़ है,
और ये चीजें ले जाते थे वहाँ। तो जो मीलम से या फिर जौहर वैली से जो लोग तिब्बत जाते थे वो कहाँ जाते थे, तिब्बत के कौन से शहर में जाते थे? ये मीलम के ही रोड जाते थे, मीलम से आगे दुम और वहाँ भी फौज वालों का कैंप है। मीलम में तो वैसे ही आर्मी वाले भी, ITB वाले भी हैं और ये ग्रीप वाले ही है। लेकिन अभी लोग सर्दियों में नीचे आ जाते हैं, परिवार वाले आते हैं। अच्छा, कुछ लोग रहते हैं वहाँ पे अभी भी? कोई नहीं रहता ना? नहीं, अब तो सारे निकल गए होंगे वहाँ के जो। तो यहाँ पे पुराने टाइम में माल खच्चर के ऊपर जाता होगा ना, खच्चर और घोड़े के ऊपर ही? नहीं, तो खच्चर घोड़ेगा तो उसमें वही था ही नहीं, रास्ता भी नहीं था वैसे ही। तो फिर कैसे जाता था सामान? भेड़ बकरियों के ऊपर लाद के। तो जो रेवड़ के लोग होते थे वही काम करते थे ये ट्रेडिंग वाला? और तिब्बत की उनकी डिमांड नीचे में थी क्या? यहाँ से व्यापार करने वहाँ गए, वहाँ से यहाँ आए, व्यापार होता था। केसर सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी आ रहा हूँ, ये मंदिर जा रहा हूँ। आइए, था मंदिर के लिए तैयारी कर रहे हैं क्या? फूल माला बना रहा हूँ। ये जो ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा था तिब्बत के साथ, ये मोस्टली भोटिया लोग ही करते थे। भोटिया के अलावा कोई नहीं जाता था क्या सर? लगभग 95% भोटिया होते थे। और सब भेड़ बकरियों के ऊपर? भेड़ बकरी सामान उठा लेती हैं? 10-10, 15-15, 20-20 किलो एक बकरी। अरे बाप रे। अभी हम नीचे मंदिर की तरफ जा रहे हैं। मंदिर तो एक छोटा सा थान बना रखा है और वहीं से ही यहाँ के जो कुल देवी है उनकी पूजा होती है। अच्छा, कोए को देना पड़ता है यहाँ पे? सबसे फर्स्ट एड फर्स्ट। कहीं भी हो, ये अभी जो मुर्गी की बलि चढ़ाई है अभी, ये सिर्फ यहीं पे खा सकते हैं, इसको ऊपर नहीं, ऊपर नहीं जाएगा। और ये तिलक भी साफ करना पड़ेगा। आप सभी को पता होगा कि हिंदू धर्म में एक रिवाज होती है कि जो कोए होते हैं उनको पितर माना जाता है। पितर बोले तो भाई अपने पुराने पूर्वज, जिस टाइम पे शायद श्राद्ध आते हैं उस टाइम पे कोए को बहुत ज्यादा खाना वाना खिलाते हैं। नवरात्रि से पहले आते हैं ना श्राद्ध? हर त्योहार में, सबसे हर त्योहार में, हर पूजा हर त्योहार में। ये पहाड़ की रीति रिवाज ही। इन देवी का नाम क्या है जो आपकी कुल देवी है? ये भूमियाल भी हुआ, लिंगिया भी कहते हैं, भूमियाल ही हुआ उसे। भूमियाल, भूमि का भूमियाल हुआ है। एक हिसाब से भूमि की पूजा कर रहे हो आप? भूमियाल का हुआ है पूरा ना गांव का। अच्छा, और आपके गांव में कौन कौन से समाज है सर? जैसे राजपूत हो गए और? चलो राजपूत ही है यहाँ लगभग सब। अच्छा, सब राजपूत ही है। ये है देवी का मंदिर, यहाँ पे पूरी का चढ़ावा हुआ है, हलवा चढ़ा है और ये माल्टा, ये कुछ मीठा, और उधर जो चिकन बन रहा है वो भी मंदिर में चढ़ावा हुआ है उसका। अब हम ऊपर जाने, थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा मैंने तिलक लगा रखा था, तो तिलक अब साफ कर दिया क्योंकि ऊपर जाना है और ऊपर के लिए थोड़ी अलग प्रथा है। वहाँ पे भेड़ बकरी की बलि चढ़ाई जाती है। भेड़ बकरी मुर्गे भी हैं। अच्छा, उसके बगल में वो अलग देवी है, ये अलग देवी है ना? उसके साथ क्या है? जैसे आप बड़े भाई हो कोई छोटा भाई। अच्छा 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 ठीक ठीक। अच्छा, लिंक है, दिख रहा है तेरे को? दिख रहा है छोटू? दिख रहा है ना? अरे गाइस, कोरोना ले है निकल आ सब को। गाइस क्या होता है? है छोटू? क्या होता है? सब बोलते हैं क्या? कैसे बोलते हैं? हेलो गाइस, हेलो गाइस। अभी नीचे उधर पूजा वूजा की तैयारी चल रही है और इधर मैं ऊपर आ गया था। यहाँ पे मेरे को दो तीन बुजुर्ग अंकल दिखे, उन बुजुर्ग अंकल से बातें बातें कर रहा हूँ। अभी मेरे साथ में भी ब्रिजेश अंकल है और ब्रिजेश अंकल अभी अपनी कहानी बता रहे थे कि आप कितने साल पहले गए थे सर तिब्बत? बहुत साल हो गए हैं। बहुत साल आपकी जवानी में? जवानी में। कौन सा शहर बता रहे थे आप? गिनम? मीलम? नहीं नहीं, वो आगे तिब्बत में। तिब्बत में कौन सा शहर बता रहे थे आप? व्यापार करने की बकरी लेके जाते हैं ना, बकरी लेके जाते थे। क्या क्या बेच के आते थे सर वहाँ पे? क्या रहते हैं, जौ, गेहूँ, गेहूँ, साव, वो लेता है जौ, जो चावल, चावल नहीं, जो हुआ लेके वहाँ गया। हाँ, फिर नमक लाया। नमक लेके आते थे? हाँ, नमक लाया और ऊन लाया। ऊन, ऊन, ठीक है। बस दो ही चीज। सोना वोना नहीं लेके आते थे? थोड़ा बहुत नहीं। तो मतलब कि सामान के बदले व्यापार होता था? सामान के बदले सामान। भोटिया लोग के साथ गया ना? भोटिया लोगों के साथ। अच्छा, भोटिया लोगों के साथ गया? हाँ, वो उनका बोझ समझते हैं।
हम उनके साथ जाते हैं तब व्यवहार करते हैं, हम तो समझते नहीं उनका बोली। अच्छा, भोटिया लोगों को तिब्बती आता था? हाँ, भोटिया सब समझते हैं बोली भाषा। अच्छा, उम्र कितना हो गया आपका अभी? बहुत हो गया, 80-90 हो गया। 80-90 हो गया। उस समय वहाँ का नमक बहुत अच्छा होता था ना, बहुत अच्छा नमक। हाँ, फिर यहाँ लागे वो नमक, वो नमक लेके हम यहाँ जाता था नीचे गुड़छाल में, फिर राशन लेके बदल के राशन लेके आता था। ब्रजेश सिंह जी बता रहे हैं कि जो उस टाइम पे तिब्बत के साथ मेनली जो ट्रेड होता था वो बार्टर सिस्टम होता था, यहाँ से जो और चावल जो हुआ जो जो हुआ हुआ क्या होता है जो के थोड़ा नजदीक गया रहता है हुआ करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, और जो मुताबिक रहता दोनों चीज लेते हैं भाई। नहीं तो सर, जब आप उधर जाते थे तो खाने पीने में क्या होता था वहाँ? हाँ, वहाँ तो अपने हाथ से ही बनाना पड़ता है, बकरी के साथ। बकरी बनाते थे उस टाइम पे? बकरी के साथ गया, लकड़ी नहीं मिलता है वहाँ, गोबर से ही खाना बनाते हैं। तिब्बत में लकड़ी नहीं है ना, गोबर से खाना बनाते हैं। ठंड तो बहुत होती है तिब्बत में, कौन ठंडा तो मरने लायक होते हैं। सर जी बता रहे हैं पहले का जो नमक आता था, जो पहले के खाने पीने के सामान था जो तिब्बत से आता था वो बहुत अच्छा था, आजकल के नमक में सर को स्वाद नहीं आता। मेरे पास जो नोट फोन पड़ा था ना, उसे सर से मैं साइन करवा रहा हूँ। सर के साइन देखिए आप, ये देखिए सर ने साइन किया। आप कितना पढ़े हो सर? 5 पढ़े हो? 5 बाया शोगन खाना फटाफट। अच्छा, खाना बन गया, ऐसा बोलते हैं। शायद मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी भोग होता है सबसे पहले भोग चढ़ाया जाता है माता को, और उसके बाद कोए को बुलाया जाता है, कोए को सबसे पहले खिलाते हैं, उसके बाद पूरा गांव। उधर जो पीछे भाई है वो कोए को बुला रहे हैं। कैसे बुलाते हैं, क्या बोलते हैं? काले को काले। क्या करना इनका, सर पे रखना? प्रेम भाई ये क्या है? खून का। अच्छा, खून का है क्या? बस आ रहे हैं। कैसे हो दादा, ठीक है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपांशु। तो जो अभी पूजा वूजा थी वो कम्प्लीट हो चुकी है, और अब जो सबका कम्युनिटी वाला जो खाना बनाया जा रहा था वो भी कम्प्लीट हो चुका है। तो अब सबको भूख लगाया, मतलब कि जो यहाँ पे पूरी वूरी बनाई थी या फिर मटन के जो बोटा कलेजी कलेजी और जो ब्लड था उसको गर्म करके एक पूरा उसका भोग चढ़ाते हैं, और अब वो प्रसाद समय बट रहा है। अब वापस से घर की तरफ जा रहे हैं। ये जो मैं ट्रेड की बात कर रहा हूँ ना, ये सारी 1962 से पहले की हैं। उस टाइम तिब्बत के साथ अच्छा खासा व्यापार होता था इस एरिया से, और ऐसा नहीं है, उत्तराखंड के काफ़ी गांव हैं जो तिब्बत के साथ व्यापार करते थे, लेकिन 62 वॉर के बाद जो पूरी डेमोग्राफीज थी व्यापार की वो सब चेंज हो गई, और जो भोटिया लोग थे वो अपने काम वाम से एकदम वंचित हो गए। ये है यहाँ के घरों की टिपिकल रसोई, और ये भाई जो भी जैसे भेड़ की जो बलि दी थी या फिर भेड़ भेड़ यहाँ पे कभी भी काटते हैं, उसकी लेदर को सुखा के ये काइंड ऑफ बैठने के लिए जगह बना देते हैं। ये बहुत मस्त रहती है बैठने में, गर्म भी अच्छी होती है और सॉफ्ट भी होती है, और पूरे घर में मिट्टी का लेप वेप, और ये यहाँ पे चारकोल सा जम गया है। और ये है जवाहर वैली का राजमा। अच्छा, सूखा है, गीला है क्या अभी? और जब आप कुमाऊं रीजन में आओगे तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी जो मिक्सअप है, मतलब कि मान लीजिए उनकी शक्ल थोड़ी नॉर्थ इंडियन टाइप भी दिखती है और उनकी शक्ल थोड़ी तिब्बतन टाइप भी दिखती है, तो मिक्सअप होके काफ़ी लोग जिन्होंने शायद उस टाइम पे तिब्बत विब्बत में शादी कर ली होंगी, ऐसा होगा ना? हो सकता है, ऐसे ही होगा, कंफर्म है वो। हाँ ऐसे ही होगा। जैसिन भाई साहब के 2 बछड़े हैं, और अंदर ये पूरा का पूरा एकदम अंदर तक बांधते हो आप? हाँ, अंदर वाले में भी देख के आएगा। अरे अंदर भैंस, अंदर भैंस वाला? हाँ, भैंस और अंदर गाय बछड़ी। अंदर गाय और इधर भैंस।
अभी थोड़ी देर पहले गांव के ड्रोन शॉट लिए और उसके बाद हमने खाना वाना खाया और अब हमारा प्लान है यहाँ से ऊपर की तरफ जाने का। लेकिन ऊपर जाने से पहले मैं आप लोगों को प्रेम भाई का घर दिखाना चाहता हूँ। वैसे प्रेम भाई रहते हैं मुंशियारी में। हाँ, एक बात और, अगर आप में से कोई भी लोग इस एरिया में घूमने आना चाहते हैं मुंशियारी एरिया में और यहाँ पे जो आसपास गांव है उन गांव को देखना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली प्रेम भाई से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्रेम भाई की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं नीचे दे दूँगा, अभी मैं भाई से को बोल ही देता हूँ। आपका कॉन्टैक्ट डिटेल नंबर क्या है? 9917009199। एक बार और बोल दीजिए। 9917009199। तो जब भी आप इधर आते हो आप डायरेक्टली प्रेम भाई को कॉल भी कर सकते हो, इनके साथ रुक जाइए, आपको भी अच्छे एक्सपीरियंस हो जाएंगे और इनसे प्रेम भाई की भी थोड़ी बहुत फाइनेंशियली हेल्प हो जाएगी। और एक बात और यार, प्लीज़ आप इस तरीके से कॉल मत करना कि प्रेम भाई को आप बोलो कि भाई दीपांशु भाई का नंबर दे दो, या फिर आप बार बार चिक वो कर रहे हो कि रेट थोड़ा ओपन ले चेक कर लो। यार ये कोई बिजनेस नहीं चला रही है, बस यहाँ पे अपने घर पे आपको एक्सपीरियंस इधर लेके आएंगे, बस उसी टाइप का सीन होगा। तो प्लीज़ इनको दुखी मत करना यार बार बार कॉल करके, मेरा कहने का मतलब ये है। अच्छा, ये आपका पूजा घर हो गया काइंड, ठीक है? हमारे पिताजी जी है स्वर्गीय। अच्छा, ये पत्थर ही है ना, वो डबल डबल लगा रखे पत्थर? हाँ, सब पत्थर है। और बाहर ये लेप किसका है? सीमेंट, ये मिट्टी का है। मिट्टी का है? हाँ। और बाहर सीमेंट लगा रखे? सीमेंट। लाइट यहाँ पे 10 से 15 दिन पहले आई थी, रोड यहाँ पे है नहीं। ये ऐसा गाँव है जहाँ से रोड लगता ही नहीं है, तो आप देख सकते हो कि सारी की सारी चीजें कैसे लेके आनी पड़ती है। मैं भाई से पूछ रहा था कि एक सीमेंट का कट्टा कितने का पड़ जाता है यहाँ पे? 12 लगा के पहुँच जाएगा 1000 तक का ना, लगभग 800-900 के आसपास। 900 रुपए का एक कट्टा पड़ेगा लगभग। रोड होगा नहीं तो खच्चरों के ऊपर सामान लाद के लेके आना पड़ेगा, और एक बार खच्चर के भाई साहब बता रहे कितने, 800 रुपए लगते हैं लगभग? लगभग हाँ, मिनिमम। और फिर टाइम से मिले, इमरजेंसी में फिर ज्यादा। और खच्चर वाले कुछ अलग ही लोग हैं क्या वो, या फिर सब नहीं रखते यहाँ पे? खच्चर वाले सब कहाँ रखते हैं, उनका अलग धंधा है, बिजनेस है। अच्छा, उनका काम ही यही है? हाँ हाँ। ओके पुजारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर। तो अभी जो पुजारी जी हैं ये भी यहाँ से अलविदा ले रहे हैं, अब अपने गांव की तरफ जाएंगे, और जो पूजा है वो ख़त्म हो चुकी है। इस पूजा के कारण यहाँ पे 2-3 बुजुर्ग भी आए हुए थे और जो तिब्बत गए हुए थे, मेरी उनसे ही बात हुई, उन्होंने मुझे समझाया कि यार उस टाइम पे कैसी दिनचर्या होती थी, कैसी लाइफ होती थी। ट्रेडिशन बहुत सारे ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो पैसे कमाने का जरिया था उस टाइम में और इस टाइम में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। उस टाइम पे एक ट्रेडिंग और होती थी, लेकिन अब ट्रेडिंग की जगह सारी की सारी खेती या फिर जो अपने प्लेन एरिया में जाने वाला सीन हो गया है। जो तिब्बत के साथ ट्रेड था वो बिल्कुल भी नहीं है भाई, बिल्कुल भी। अभी भी वैसे सामान जाता है तिब्बत में, लेकिन वो वाया नेपाल हो गया था। नेपाल से ट्रेडर यहाँ पे आते हैं, यहाँ से सामान वामान खरीदते हैं। एक भाई साहब जड़ी बूटी का नाम बता रहे थे, तो जड़ी बूटी यहाँ से लेके जाते हैं, फिर नेपाल के थ्रू तिब्बत या चाइना के अंदर चला जाता है। ये वाला देखिए, जब बर्फ वर्फ पड़ने लग जाएगी तो सारी लकड़ियाँ यहाँ पे अंदर रख देंगे, लकड़ियाँ सूखी रहेगी, जलाने वलाने में आसानी होगी। यहाँ पे घास वास भी रख सकते हैं। ये अंदर का कमरा हो गया, और देखिए यहाँ पे भैंस बंधी हुई है। और ये होगी प्रेम भाई के घर की किचन। लगभग आपको ना जो घर की दीवार इसी टाइप की मिलेंगी, और इस घर की बाहर की जो लिपाई है उसमें सीमेंट का यूज हुआ है, बाकी पूरे घर में कुछ भी, ये सिर्फ पत्थरों की प्लेसमेंट है ऐसी, इनके बीच में कुछ भी नहीं है। तो बस यार अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एक टॉप है वहाँ पे, रात को रुकेंगे थोड़ी कैंपिंग टाइप करेंगे, और रात का बस अब यही सीन होने वाला है अब। और इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा भी नहीं खींचना चाहूँगा। यही है उत्तराखंड के वो गांव जिनका कभी तिब्बत के साथ ट्रेड होता था, तिब्बत के साथ रिलेशंस होते थे, लेकिन 1962 वॉर के बाद ये सारी की सारी चीज़ें चेंज हो गई। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ। बोलो बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय।